हाँ तो यार दोस्तों, हमने हमारे इस गहरे बोरवेल के अंदर कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए जिनको आपने काफी पसंद किया, और उन वीडियोस में हमने इस बोरवेल की गहराई को 500 फीट बताया, कभी 600 फीट बताया, कभी 450 फीट बताया। लेकिन इस बोरवेल की गहराई, जो एक्चुअल गहराई है, वो हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, क्योंकि ये बोरवेल जो है बहुत ही ज्यादा गहरा है। तो आज दोस्तों, हम इस बोरवेल की एक्चुअल गहराई यानी एग्जैक्ट गहराई, कितना ये गहरा है पैंदे तक, ये मापने वाले हैं। ये काम काफी रोमांचक है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब हम इसकी गहराई मापेंगे कितने फीट होगी, ये हमें पता चलेगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। This is the future. तो यार दोस्तों, हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आप देख सकते हैं खूब सारी रस्सी मेरे पास मौजूद है, नीचे हमने कैमरा लटका दिया और टॉर्च भी लटका दिए, ताकि इस बोरवेल का माप लेने के साथ साथ आपको अंदर के बेहतरीन नजारे भी दिख सके। रस्सी बहुत ज्यादा है, एक्चुअल हमें इस रस्सी की साइज पता नहीं है। हम सबसे पहले पैंदे तक इस कैमरे और टॉर्च को पहुंचा देंगे, उसके बाद रस्सी को यहां तक काट देंगे, और काटने के बाद रस्सी को बाहर निकाल के उस पूरी रस्सी का माप लेंगे, और माप लेने के बाद हमें पता चलेगा कि इस बोरवेल की एक्चुअल गहराई कितनी है। तो मैं इस कैमरा और टॉर्च को ऑन करके अब सीधा इसके अंदर डाल देता हूं। लेकिन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे जरूरी है, ये दोनों चीजें कर दीजिए। तो और अब हम शुरुआत कर लेते हैं। तो यार दोस्तों, आप देख सकते हैं लगातार मैं इस रस्सी को अंदर डाल रहा हूँ। रस्सी जो है बड़े ही आराम से अंदर जा रही है। अभी तक मुझे लगता है कि इसकी जो है 40% गहराई हमने कवर की होगी, और हमें भी नहीं पता कि अंदर के नजारे कैसे होंगे। तो हम लास्ट पैंदे तक इसको पहुंचाने वाले हैं।
और दोस्तों मुझे लगता है कि इस बोरवेल की जो पैंदा है वो आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे रस्सी जो है बिल्कुल हल्की हो चुकी है, इसीलिए मैं इसको जज कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे जो है रस्सी का वजन एकदम संतुलित नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ तक इसका पैंदा जो है कवर हो चुका है। तो हम इसको यहाँ से काट देंगे और जो भी रस्सी बाहर निकलेगी उसका माप लेंगे और आपको बताएंगे कि इस बोरवेल की गहराई एक्चुअल में कितनी है। तो हम इसको यहाँ से काट देते हैं। तो ये हमने काट लिया है और अब हम इसको पूरा बाहर निकालेंगे। हमारे पास फीता मौजूद है, उसकी मदद से हम इस पूरी रस्सी का माप लेने वाले हैं, फिर देखते हैं कि इसकी गहराई जो है कितनी हमें मिलती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो रस्सी का सिरा है वो बोरवेल के बिल्कुल अंदर से आ रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने पूरा इसको अंदर डाल दिया था और बाकी जो रस्सी बची थी वो हमने काट के अलग कर दी। और हमारे पास ये 5 फीट का फीता है, इसकी मदद से हम इसको पूरा मापने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फीते को यहाँ पे 5 फीट ऐसे माप लिया, फिर 5 फीट इसको और माप लिया, ऐसे करके हम 20 फीट की एक मार्किंग बना देंगे। और मार्किंग बना के उसको हम पूरी रस्सी की मापने में पूरी मदद लेने वाले हैं। तो ये 15 फीट हो गई और इसके बाद यहाँ से ये 20 फीट हो गई। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने एक मार्किंग कर दी है। तो 20 फीट की कई सारी लेयर बनाकर हम इसको मापेंगे। तो अब हम इसको मापना शुरू करते हैं। ये 20 फीट का मार्क है। तो गाइज आप देख सकते हैं मेरे पास ये रस्सी की 2 लेयर है, इसका मतलब हुआ कि इसका माप जो है 40 फीट है। इसी प्रकार हम कई लेयर बना के इसका माप लेने वाले हैं। अब तीसरी लेयर हम बना लेते हैं। दोस्तों यार आप देख सकते हैं कि हमने 20-20 फीट की इन रस्सियों की कई सारी लेयर्स बना ली है। देख सकते हैं लेयर्स का झुंड लग चुका है और हम एक एक करके इनको काउंट करने वाले हैं। और आखिरकार इस वीडियो में वक्त आ चुका है इस बोरवेल की गहराई का पता लगने का। तो हम इनको एक एक करके काउंट कर लेते हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई करके इस बोरवेल की एक्चुअल गहराई माप लेंगे। तो मैं काउंट कर लेता हूँ। एक ये लेयर है जो यहाँ पे हाफ है, इसको हम साइड में कर लेते हैं। इसके बाद हम इनको काउंट करना शुरू कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये तकरीबन बाकी बची हुई यहाँ पे 7-8 फीट हो गई। 19 लेयर बनी है और पीछे 7-8 फीट की ये रस्सी बची है। 19 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है 380 आता है, यानी 380 फीट। और ये बाकी बची हुई 8 फीट हम इसको काउंट करें तो इसका पूरा टोटल फिट जो है 388 फीट होता है। यानी कि ये हमारा बोरवेल है जो 388 फीट गहरा है, 400 फीट से सिर्फ 12 फीट कम गहरा है। तो कैसा लगा ये कमाल का वीडियो, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर सबसे ज्यादा कीजिएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।